हाँ तो भैया, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले कल के कुछ ग्लिम्स बनाए हैं मैंने, वो आप चेकअप करके आइए, फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। AM in the morning and I just woke up और आज थोड़ा सा लेट प्लान चल रहा है क्योंकि यूजुअली पिछले 6-7 दिनों से मैं मॉर्निंग में 5 या 4 बजे उठ जाता हूँ एंड देन आई एडिट माई वीडियो एंड अपलोड कर देता हूँ 9 बजे तक। कल रात को एडिटिंग में थोड़ा टाइम हो गया था, इस वजह से आज थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल वर्ल्ड विद आदि, आई एम आदित्य बारेंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश व्लॉग में। सो आज का दिन कुछ प्लान नहीं है, बट पहले तो अभी वीडियो एडिट करना है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं रोज नारियल पानी ही पीता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट उठने के आधे घंटे बाद मैं नारियल पानी पीता हूँ एंड उसके 1 आवर बाद मैं फास्ट करता हूँ या फिर चाय वगैरह पीता हूँ। सो चलो करते हैं दिन की शुरुआत। एक सबरे बॉडी में डलनेस रहता है एंड एक्ने वगैरह के प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पी सकते हो मॉर्निंग में डेली कोकोनट वाटर, सो बेस्ट है। इसके कुछ फायदे वगैरह भी है, मैं आज आपको ब्लॉग में बताता हूँ। सो डेली मॉर्निंग में एक कोकोनट वाटर मैं रोज पीता हूँ, उससे थोड़ा एक बूस्ट मिलता है, आपको भी फ्रेशनेस आती है बॉडी में एंड सबसे मेन पार्ट एक्ने और जो भी फेस प्रॉब्लम्स है वो इससे कम होते हैं। इट्स अ गुड हैबिट कि आप सवेरे उठ के कोकोनट वाटर पियो। मम्मी पापा को ड्रॉप किया मैंने, उन्हें कहीं जाना था, कार लेके नहीं जाते बोल रहे थे, सो मैं गया था उन्हें ड्रॉप करने एंड इट्स 9:30 और अभी जल्दी से एडिटिंग कंप्लीट करके फिर आफ्टरनून का कुछ प्लान बन रहा है, सो वो देखते हैं। चलो हाँ तो भैया, इट्स 12:30 और वीडियो एडिट और अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो गया। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके चेकआउट करो। और अभी हेयर कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बाल देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो कल से जो है नागपुर में लॉकडाउन लग रहा है, तो कल से ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आज हेयर कट निपटा के आता हूँ। सो मिलते हैं आपको हेयर कट के बाद। चलो हाँ तो भैया, कल से लग रहा है लॉकडाउन, तो उसी वजह से आज एक शूट पे जाने वाला हूँ मैं। मुझे बहुत दिनों से वो शूट करना था बट टाइम कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो आज रात के समय वो वाला शूट होगा और उसके पहले भी मैं एक प्लेस कवर करने वाला हूँ जो कि आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगी, जो कि एक व्लॉग होगा, डेडिकेटेड व्लॉग होगा। वो जो ट्रैवल व्लॉग तो नहीं बोलूँगा मैं उसे, बस एक हिडन प्लेस मेरे को पता चली है नागपुर के पास, तो मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। आज का जो दिन है वो बिजी इन द सेंस, दोपहर तक तो कोई काम नहीं है, ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास मैं जाऊँगा। आपको ग्लिम्स देखने मिलेगी आज के व्लॉग में, बट डेडिकेटेड व्लॉग आपको कल देखने मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिनों से अपने खुद के व्लॉग्स देख रहा था क्योंकि एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियोस बनाता वो मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाता हूँ और वो मैं आपको पोर्ट्रे करता हूँ, बट जब मैं आपको पोर्ट्रे करता हूँ तो और ज़्यादा ऑडियंस के पास वो पहुँचे ओवर द क्वांटिटी। मुझे क्वालिटी पे काम करना ज़्यादा पसंद है, बट दोनों सिमिलर ही है। अगर आप एक चीज़ करना चाहो तो दूसरी ऑटोमेटिकली वो आपके साथ आएगी। कि जो मैं व्लॉग्स शूट कर रहा हूँ उसमें कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि जब आप खुद एनालाइज करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपने जो आप खुद वर्क करते हो उसको एनालाइज करते रहना चाहिए। तो जब मैं अपने व्लॉग्स देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ चीज़ें कम लगती है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं वो लिखता हूँ रोज, मैं ट्राई करता हूँ कि वो चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल तो 2-3 दिन मैं उसी पर वर्क कर रहा था कि
वीडियो को कैसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग किया जाए जिससे आप लोगों को मज़ा आए, तो उसी पे काम चालू है। जिस दिन ट्रैवल नहीं होता, मैं फर्स्ट टाइम घर पे कोई व्लॉग शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं कहीं नहीं गया हूँ, तो देखते हैं आप लोगों को पसंद आएगा तो और सामने ऐसे व्लॉग्स लाते जाऊंगा मैं। फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा काम बाकी है, वो वर्क कंप्लीट करता फिर आपको मिलता हूँ, हम जाएंगे बाहर। बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं क्योंकि इट्स 4:30, 4 बजे निकलने का प्लान था बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो अभी जल्दी से निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ लोकेशन पर। इट्स 4:45 और अभी हम लोग आज के शूट के लिए जा रहे हैं, और आज का शूट कहाँ पे होगा इसके ग्लिम्स आपको आज के व्लॉग में देखने मिल जाएंगे, बट ये जो पूरा वीडियो है ये आपको कल देखने मिलेगा, तो कल के ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करना। तो हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए। ये जो लोकेशन है इतना ज़्यादा खूबसूरत है हमें लगा नहीं था, बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सनसेट पीछे हो रहा है बट बादल के वजह से शायद हमें सनसेट ना दिखे। तो हमारा शूट करके हो गया, आज के दिन के लिए इतना ही नहीं है, आधा शूट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे जो ये प्लेस है, ये प्लेस का हम लोगों ने आधा शूट हो गया है, आधा हमें बाकी है करना, और एक अमेजिंग सा सनसेट देखने मिलेगा आपको अगले वीडियो में जो कल आएगा। सो अभी यहाँ से हम लोग रैप अप करेंगे, थोड़ा सा शूट बचा है वो कंप्लीट करते हैं, एंड देन यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर पे, गैजेट चार्ज करेंगे और एक शूट करना है रात को, तो वो शूट के लिए हम लोग जाएंगे। सो फार सो गुड, मज़ा तो आ रहा है बट थकावट थोड़ी सी महसूस हो रही है, बट कोई नहीं, जल्दी से यहाँ पे अभी हम लोग शूट कंप्लीट करते हैं और देन आपको मिलते हैं। सो हमारा पूरा शूट कवर करके हो गया, यहाँ से शूट हो गया हमारा पूरा, अभी यहाँ से अभी घर निकलते हैं बिकॉज अंधेरा हो गया, और घर जाते बराबर गैजेट्स चार्ज करने हैं और बैटरीज भी फुल हो गई है, स्टोरेज भी फुल हो गया, तो स्टोरेज भी खाली करके हमको और एक शूट के लिए निकलना है। सो बने रहिए वीडियो में। भैया आ चुके हैं, इट्स 8:20 और 8:30 को हमको निकलना है, इसलिए पटापट सब निपटा रहे हैं। एक शूट कंप्लीट हो गया है, सेकंड शूट करना है, सो कॉपी हो रहा है और जैसे ही हो जाता है हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो मिलते हैं आपको गाड़ी पे। तो भैया बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ के बाद घर आए हम लोग, क्योंकि हम लोग शूट करने गए थे और अचानक से बहुत ही जोरदार बारिश चालू हो गई और रुकने का नाम ही नहीं रही थी। इट्स ऑलमोस्ट 10:45 और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि पूरा शूट कंप्लीट करें या ना करें, फिर बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और गैजेट साथ में होने की वजह से रिक्स लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, सो उस वजह से हम लोगों ने शूट पूरा नहीं किया। कुछ हमने शॉर्ट्स लिए, उसका एक वीडियो मैं अलग बनाने वाला था बट वो नहीं बनाने वाला, तो आप ये शॉर्ट्स देखिए। Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, no. तो
डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे होंगे वो शॉट्स। मतलब बहुत ज्यादा टफ था वो कैप्चर करना, क्योंकि पीक आवर्स में हम लोग गए थे। 9 के बाद शूट करना मतलब अलाउड नहीं है, क्योंकि 9 के बाद सब दुकानें वगैरह बंद हो जाती, तो 9 to 10 के बीच में शॉप्स बंद हो रही थी। सो उस वजह से पीक आवर्स था हम लोग जब गए, लेकिन बहुत ही बढ़िया अमेजिंग। मतलब जो पेंटिंग की है वहां पे, पिलर्स को जो अच्छे से उन लोगों ने पेंट करने की वजह से जो लुक आया है वो देखने बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो आज का दिन बहुत ही ज्यादा भागदौड़ वाला था, तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। होप सो आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। विद दैट से साइनिंग ऑफ फ्रॉम आदित्य पारंगे, कैच यू सून इन अनदर व्लॉग सर्चिंग फॉर अनदर अमेजिंग डेस्टिनेशन। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।